हैं वो सारे पैरामीटर सारा रीडिंग्स ले रहे हैं और स्टाफ जो भी था सबसे बात करें, पैसेंजर्स जो भी थे जो भी अपना इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं सबसे वो बातें कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, रीडिंग्स ले रहे हैं, सारा पैरामीटर्स को स्टडी कर रहे हैं। अभी वो ट्रैक के ऊपर गए थे क्या? जी वो उनकी टीम सारी जगह पे सारे लोकेशंस को स्टडी कर रही है, सारे पैरामीटर्स स्टडी कर रही है। वो नंबर्स अभी मेरे पास नहीं है लेकिन पूरी इंटायर टीम है उनकी। देखिए उनका काम है कि जितने भी चीज़ें हैं एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि ऑपरेटिंग एंगल हो गया, सिग्नल एस्पेक्ट्स हो गया, पैरामीटर्स हो गया, कोचेस का पैरामीटर्स हो गया एंड इंटरप्ले ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग प्लस सिग्नल, ये सारा चीज़ को स्टडी करते हैं, सारे पैरामीटर स्टडी करते हैं, स्टाफ का स्टेटमेंट स्टडी करते हैं, फिर जो मशीन्स की रीडिंग्स है, जो ट्रेन का स्पीड है, सारा चीज़ एनालाइज करते हैं वो। उसके बाद वो कॉम्प्रिहेंसिवली अपना रिपोर्ट देते हैं आफ्टर एनालाइजिंग एवरी एंगल ये क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल, वो उनका रिपोर्ट सबके पास रहेगा, सीबीआई भी उनकी रिपोर्ट स्टडी करेगी, सीबीआई टीम भी अपनी भी स्टडी करेगी। अच्छा, आप लोग के माध्यम से हम ये कुछ स्टेटमेंट्स हम देना चाहते हैं। पहला चीज़ है कि दोनों लाइन हमारी रिस्टोर हो गई है, अप एंड डाउन दोनों लाइन में मूवमेंट चालू है। जब से अप लाइन डाउन लाइन रिस्टोर हुआ है 22/40 उसके बाद से 10 गुड्स ट्रेन ये डाउन लाइन में मूव की है, 10 गुड्स ट्रेन प्लस 6 कोचिंग ट्रेन सुबह 11 बजे तक डाउन लाइन पर मूवमेंट हुई है। और अप लाइन पे जो 8/05 में पहला गुड्स ट्रेन मूवमेंट हुआ था उसके बाद से 4 गुड्स ट्रेन एंड 9 कोचिंग ट्रेन्स मूवमेंट हो चुकी थी अभी सुबह 11 बजे तक। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि सारा काम अभी चालू है, अभी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन है लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी स्लीपर का रेक, ब्लास्ट का रेक सारा चीज़ लगा हुआ है, सारे चीज़ काम करिए, पैकिंग होगी, स्लीपर्स इंसर्ट होंगे, उसके बाद ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज होगी। तो इस पैच में जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा है वो अभी काम हो रहा है, उसके बाद स्पीड बढ़ेंगी। अभी 10 km/h है, शाम तक रिलैक्स होगा, उसके बाद फिर रात में फिर मशीन्स काम करेंगे, बढ़ेंगी, तो फेज वाइज में ग्रेजुअली वो बढ़ेगा। हम कह सकते हैं क्या जो पैसेंजर लोग हैं वो कितने तक नॉर्मल ट्रेन? देखिए ये पर्टिकुलर पैच में ऑलमोस्ट जो ये स्टेशन एरिया है जो क्रॉसओवर टू क्रॉस स्टेशन है, बाकी स्पीड नॉर्मल 130 km/h है। यहाँ पे जो डैमेजेस हुए थे उस पर स्पीड थोड़ा कम है, वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जैसे जैसे काम करें, हम देख रहे हैं हमारी पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही है, वो स्पीड रिलैक्स होगा, स्पीड नॉर्मल हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा। तो पैसेंजर को भी अपील करेंगे क्या अभी टिकट करें? टिकट करिए, नॉर्मल ट्रैवल करिए क्योंकि ट्रेन्स चल रही हैं, नॉर्मल चल रही हैं। आपको अपने नंबर्स बता दिया, डाउन में 10 गुड्स 6 कोचिंग ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, अप में 9 गुड्स ट्रेन और 4 गुड्स ट्रेन और 9 कोचिंग ट्रेन ऑलरेडी साइड से मूव कर क्रॉस कर चुकी है, तो सर्विसेज नॉर्मल है। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से, आई विल अपील टू एवरीवन कि आप भी ज़रा बताएं सबको कि काफ़ी सारे फेक न्यूज़ घूम रहे हैं, ठीक है, उस पर विश्वास नहीं करें, टेक ऑफिशियल बाइट्स फ्रॉम रेलवे पीपल, हम लोग आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। काफ़ी सारे चीज़ें घूम रही हैं जैसे कुछ फेक नाम का SMRs का नाम सर्कुलेट किया जा रहा है, वो गलत है, देर इज़ नो सच SMR, जो नाम सर्कुलेट हो रहा है वो गलत है, वो ऐसा कोई SMR नहीं है। दूसरा है कि कुछ SMR को सस्पेंड करने की बात की जा रही है कि वो एब्सकॉन्ड हो गया था ड्यूटी पे, वो भी मीडिया में फेक मीडिया में बहुत घूम रहा है, वो गलत है। जो SMR ऑन ड्यूटी था ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द रेस्क्यू एंड ऑपरेशंस, तो वो एक्टिवली वो काम कर रहा था और उसका एवरी रेलवे पर्सन वॉज डूइंग हिज ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर द एक्सीडेंट। दूसरी एक चीज़ और हो रही है कि लोको पायलट्स का डेथ हो गया है, वो भी गलत है, दोनों लोको पायलट्स कोरोमंडल के स्टेबल हैं, दे आर बीइंग ट्रीटेड एट एम्स भुवनेश्वर, ऑल द लोको पायलट्स आर इन स्टेबल कंडीशन एट प्रेजेंट। और जो गुड्स ट्रेन का जी वो भी स्टेबल है, उनको तो बहुत ही माइनर इंजरीज आई थी, दे आर ऑल्सो स्टेबल, वो भी एक सेकेंड नहीं वो ये जो गार्ड थे वो अभी मतलब ट्रेन स्टेबल थी, वो करीब आधे घंटे पहले वहाँ पे आई थी तो अपना ट्रेन का स्टेबलिंग करके वो नीचे गए थे, वो मतलब नीचे थे इसलिए उनको ज़्यादा इंजुरी नहीं आई है। वो हम पता है पूरे फील्ड में सब लोग हैं भी, वो हम पता कर लेते हैं, अभी पता कर लेते हैं। दे आर सपोज टू AM चौधरी हैं, सेफ्टी कमिश्नर जी, अनमोल मिस्टर अमोल चौधरी जी, मेरा नाम आदित्य चौधरी हुआ। अब फेक न्यूज़ को आप लोग थोड़ा काउंटर करिए क्योंकि ये बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है। एम से जी पायलट का, लोको पायलट का जी 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 लाइव दिखाए हैं एम से जी 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 मेरा नाम आदित्य चौधरी हुआ, CPRO साउथ ईस्टर्न रेलवे। थैंक यू।
चीफ लोक संपर्क अधिकारी मुख्य लोक संपर्क अधिकारी साउथ ईस्टर्न रेलवे से बर्तमान जहाँ आपको सूचना दूसरे ऑफलाइन 16 गुड्स ट्रेन और 6